मेजर जनरल आलोक राज ने कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष का पदभार आज ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उनके शुभचिंतकों और ऑफिस के कर्मचारियों ने फूल माला और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सच बेधड़क से खास बातचीत की और आगे की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पूरे तरीके से सामंजस्य बैठाकर काम करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। आप भी सुनिए कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर से खास बातचीत की। कर्मचारी चयन बोर्ड के नए मुखिया अब आलोक राज जी होंगे। इन्होंने सेना के अंदर भी अपना पूरी तरीके से जो प्राथमिकताएं दी हैं और उसके बाद में आज एक नए पद पे उन्होंने यहाँ पर ग्रहण किया है। उन्होंने जो पदभार है वो भी ग्रहण कर लिया। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी। सर, सबसे पहले तो सच बेधड़क की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्राथमिकता होंगी वो एग्जिस्टिंग प्राथमिकता हैं। वो प्राथमिकता हैं कि जो सारे एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम से कराए जाएं, एसओपी के मुताबिक कराए जाएं, दुरुस्त तरीके से कराए जाएं। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो उनकी आकांक्षाएँ उनके अनुरूप हम कराए जा सकें, और सारी जो सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन किया जा सके ताकि जो काबिल अभ्यर्थी हैं उनका मनोबल ना गिरे। सर, आपने पूरी तरीके से सेना के अंदर भी पूरी तरीके से सेवा दी है और उसके बाद में एक नया पद यहाँ पर मिला है, तो एक बड़ा डिसिप्लिन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकांश देखने को मिलता है कि छात्र यहाँ पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों के लिए यहाँ पर करते हैं, तो एक बड़ा डिसिप्लिन भी बनाना पड़ेगा आपको। आप सही बोल रहे हैं कि सेना में डिसिप्लिन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व है, और मैं समझता हूँ वो महत्व हर जगह पर है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सैनिक क्षेत्र हो, चाहे वो एक आम जनता हो, चाहे वो छात्र हो। और मुझे उम्मीद है कि यदि छात्रों की कोई परेशानी होगी और कोई उनकी दुविधा होगी तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर कि छात्रों को अपनी परेशानी को व्यथा सुनाने को उनको एक माध्यम चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसी नौबत ना आए कि उनको प्रदर्शन करना पड़े या कुछ दूसरे तरीके अपनाने पड़े। हम कोशिश करेंगे कि उनके सबकी जो व्यथा और परेशानी हो उनको हम एड्रेस कर सकें और हर तरह से उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें। सर, बेरोजगारों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट की अगर बात करें तो कई ऐसी भर्तियां हैं जो हो चुकी है, चाहे फायर की बात करें, वन की बात करें, उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ जिसके कारण से जो बेरोजगार हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह से आप कहेंगे इस बार? तो कोई भी हम जो परीक्षाएँ करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक प्रक्रिया होती है, और यदि उस प्रक्रिया को हम बहुत तेज़ी से कर दें और उसको हम एसओपी को हम वॉयलेट कर दें, उसके नॉर्म्स को, तो हो सकता है कि वो प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां रह जाएं। शायद इसी कारण की वजह से ऐसा मुझे लगता है कि कई बार रिजल्ट टाइम पर नहीं आ पाते हैं या उनमें कोई अड़चन पैदा हो जाती है। कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिनकी वजह से भी अड़चन पैदा हो जाती है। तो हमारी कोशिश होगी कि यदि ऐसा होता है तो हम उसको एड्रेस करें और हम पहले से ही उसके लिए तैयारी करें ताकि ऐसी अड़चनें पैदा ना हों और टाइम से रिजल्ट दिए जा सकें। मैं बिल्कुल इस बात से सरोकार रखता हूँ कि अभ्यर्थियों को टाइम से रिजल्ट मिलना चाहिए ताकि वो अपनी यदि किसी वजह से वो उसको पास ना कर पाएँ तो दूसरे परीक्षा की तैयारी कर सकें। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने अभ्यर्थियों के लिए हर चीज़ को अपने टाइम से और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से कर सकें। सर, सितंबर और अक्टूबर में भी कई भर्तियाँ होने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि अभी आपने पदभार भी ग्रहण कर लिया है तो उसके बाद में तय समय पर वो चीज़ें हो पाएगी भर्तियाँ? तो आपके बाद आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है कि कुछ परीक्षाएं होने वाली थी या होनी वाली हैं, तो चूंकि मेरा आज पहला दिन है मुझे ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि यदि गिवन टाइम के अंदर जो हमारे पास टाइम मौजूद है उसमें हम परीक्षाएं करा सकें, चाहे थोड़ा हमको एफर्ट करना पड़े हम कराने की कोशिश करेंगे। सर, पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है और थोड़ी सी जो बेरोजगार है, जो छात्र स्टूडेंट वो भी ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो सर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है इसको निभाना, क्योंकि लगातार ये घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका बिल्कुल जो ये प्रश्न है और जो आपकी अप्रिहेंशन है वो बिल्कुल सही है कि पेपर लीक एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, यदि ऐसा होता है तो उससे जो अभ्यर्थियों का मनोबल गिरता है, जो बहुत से लोग अपने पूरे साल भर महीने की जो गाढ़ी मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए जितना मेरी समझ उसके मुताबिक शायद राजस्थान SSB के अंदर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि ऐसा आगे ना हो। और हालांकि
जो कोई तरीके निकालते हैं, जो माफिया होता है कोई तरीके निकालता है, हम भी पूरी कोशिश करेंगे ऐसे हम तरीके निकालें ताकि हम लूपोल्स को प्लग कर सकें। और हमारी पुरजोर ये कोशिश रहेगी कि कभी भी इस तरह की कार्रवाई ना हो जिससे कि मनोबल हमारे अभ्यर्थियों गिरे। ये थे कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष आलोक राज जी, जिन्होंने पदभार यहाँ पर ग्रहण कर लिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है और जो भर्तियां निकलने वाली है इसके साथ ही जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी पूरी तरीके से जो काम है वो किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ सतवीर सिंह राठौड़, सच बेधड़क, जयपुर।